तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ चैनल। तो गाइस, हुआ क्या है कि मतलब 3-4 दिन से लगभग पानी नहीं आ रहा है और हमको पानी की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हाथ मुँह धोने के लिए भी यहाँ पे पानी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हमारा पानी कहाँ से आता है और कैसे हम लोग सही करते हैं पानी को। तो जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, वो पीछे हमारा बन रहा हो किचन वगैरह, तो अभी वो काम रुका हुआ है बरसात की वजह से और फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। हमारा घर है और दिखाता हूँ आपको हमको पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्यों पड़ती है। तो गाइस, ये भिंडी है, भिंडी हमने लगा रखी है और इसमें लगभग अब आने लग गई है भिंडी। ये देखिए, वो देखिए वो आ रही है, इसमें भिंडी अब लग रही है धीरे धीरे। तो इसमें डालने के लिए पानी चाहिए होता है, जैसे कि आप देख रहे हो पत्ते वगैरह सूखने लग गए, अब अभी टाइम से बारिश भी नहीं हुई है। और इधर को अदरक, अदरक वगैरह में तो पानी हम लोग डालते नहीं है, तो अदरक उधर तक पूरी अदरक है। अदरक मतलब जब बारिश होगी तभी पानी डलेगा अपने आप ही। तो ये भिंडी के लिए चाहिए और इसके अलावा किसके लिए चाहिए वो आपको दिखाता हूँ मैं। इधर जाना पड़ेगा इसके लिए मेरे को, तो एक इधर साइड तो भिंडी लगा रखी है और इधर साइड है बहुत सारी मिर्च। ये तो फिर आलू है, इसके अलावा ये है बहुत सारी मिर्च है, ये पूरा मिर्चा मिर्च का खेत है। इसके लिए भी हमको पानी की यहाँ पे ज़रूरत रहती है इसमें डालने के लिए, क्योंकि बिना पानी के ये मिर्च वगैरह होती नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बारिश का तो अभी कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश होती है। तो गाइस, मैं जा रहा था पानी एक बार देख के आता हूँ, अगर मेरे से ठीक होने जैसा होगा तो करके आऊँगा। जो पीछे जो आपको गांव दिख रहा है वो हमारा गांव है, वहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक गेट वाल वगैरह लगा रखा है, यहाँ पे पता नहीं है कहाँ पे, मैंने तो देखा भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा पानी आ गया और ज़्यादा पानी आता है तो ही यहाँ पर आता है, और नदी में से कम पानी आया है जहाँ से हमारा स्रोत है वहीं से कम पानी आता है, तो यहाँ से हमारे यहाँ जो ये हमारा घर है यहाँ पे पानी नहीं आता है। तो चले चलते हैं आगे को, और शाम हो चुकी है तो पहाड़ों का नज़ारा तो आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी धुंध लग रही है, इतनी सारी धुंध लग रही है तो ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हमारी पाइपलाइन आ रखी है, मैंने एक डंडा पकड़ लिया है, डंडा मैंने नीचे डाल दिया क्योंकि यहाँ से मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। और मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको खोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे से अकेले से लगेगा नहीं, फिर इसमें मैं हल्का हल्का मारते रहता हूँ पाइप से ये डंडे से, अगर बुझा होगा तो निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं अब। तो गाइस, ये है बांस, इतना बड़ा है, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है बांस है पूरा। तो अगर हम लोगों को चाहिए होता है तो हम लोग काट के ले जाते हैं यहाँ से, पता करना पड़ता है कि अगर जिसका होगा उससे पता करना पड़ता है कि हम लोग काट सकते हैं या नहीं, अगर उसने हाँ बोल दी तो फिर यहाँ से काट के ले जा सकते हैं हम लोग। काफ़ी चीज़ों में काम आता है, जैसे लेंटर वेंटर वगैरह किसी का डालना हो तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आता है, आपने देखा होगा शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है बांस। तो बकायदा शहरों में तो होता क्या है कि लोग किराए पे लेते हैं बांस को। एक बांस आपको मैंने दिखाया था वहाँ पे है पीछे, और एक बांस ये है, ये भी बहुत बड़े एरिया में फैल रखा है, इसके पीछे से ही हमारी पाइपलाइन आ रखी है। यहाँ पे लगता है भुजा, यहाँ पे भी हम लोग परसों ही बांध के गए थे तो यहाँ पे भी भुजा लग सकता है। इधर पे मैं मार के देख रहा हूँ, अगर भुजा होगा तो यहाँ पे भी हटा देंगे। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे भी, और अब मेरे को जाना है टैंक पे, टैंक पे देखना पड़ेगा कि पानी वहाँ से कितना आ रहा है। तो डंडा यहीं पे रख जा रहा हूँ मैं,
वहीं ढूंढ लूँगा कुछ मारने के लिए, अगर वहाँ पे कहीं पे भूजा लग रहा होगा। मेरे को जंगल से जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब यहाँ सुअर का भी खतरा रहता है, यहाँ सुअर भी आ सकता है कहीं से भी, और सांप वगैरह का तो डर यहाँ पे लगा ही रहता है। और एक हमारा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी पानी गिर रहा है। यहाँ पे अगर मैं खोलता हूँ तो ये मेरे से लगेगा नहीं अकेले, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये हमारा है टैंक, पहले मैं टैंक में चेक कर लेता हूँ कि पानी कितना आ रहा है। यहाँ से चले गया हम, तो ये तो पानी तो इधर को बह रहा है सारा, वो क्या रहा है मतलब है? पानी तो इधर को आ रहा है, मतलब यार टैंक में पानी है या नहीं देखना पड़ेगा टैंक में। ये है हमारा स्रोत जहाँ से टैंक में पानी गिरता है, ये स्रोत है यहाँ से टैंक में पानी गिरता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी तो यहाँ पे से भी गिर रहे हैं, और जाली वगैरह मैं साफ करता हूँ। यहाँ पे जाली लगी हुई है, इसमें से तो भरपूर पानी जा रहा है। भूजा लगा कहाँ पे है, तो मैं टैंक के ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि कहाँ पे भूजा लग रखा है। तो मेरे को टैंक में देखने दो, टैंक में भी पानी भरा हुआ है। ये देखो टैंक में भी पानी पूरा भरा हुआ है, तो पानी में भूजा कहाँ लगा है? अब बड़ी टेंशन पैदा कर दी इसने, तो कहीं जैसे तो भूजा मेरे को मिलेगा नहीं। अभी मैं नीचे उतर के एक बार वहाँ पे तो मार के देखता हूँ, अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो चलेंगे घर को फिर। तो गाइस यहाँ से आता है हमारा पानी है, हाँ इस जगह को बोलते हैं मगरू का खोला, मगरू का खोला इस जगह का नाम है। और गाइस नीचे वाला जो है स्पॉट है वहाँ पे मैं मारता तो हूँ एक बार, अगर वहाँ पे भूजा लगा होगा तो होगा क्या कि वो गिर जाएगा। यहाँ से पानी कम जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नहीं तो ये पत्थर मेरे को मिल गया है, तब तक से मेरे को हल्का हल्का मार, नहीं तो अगर जोर से मारूंगा तो ये खुल जाएगा। तो मैं तो खोलूंगा नहीं अकेले इसको, क्योंकि अकेले मेरे से लगेगा नहीं। से तो गाइस ये हमारा टैंक है, तो गाइस मैं चल पड़ा हूँ घर को, क्योंकि यहाँ मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं अकेले कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पाइप वगैरह खोलता हूँ तो फिर मेरे से अकेले लगेंगे नहीं। अगर क्या पता पत्थर मारने से, डंडा मारने से अगर पानी भूजा वगैरह हट गया होगा तो क्या पता पानी आ भी जाएगा शायद, देखता हूँ घर जाके कि होता क्या है। तो चलो चलते हैं घर को। यहाँ पे मनीष का भूत घूम रहा है या मनीष ही घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये मनीष यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है, हाँ तो ये दिरोल ढूंढ रहा है, दिरोल जिसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं दिरोल, जो कि अब धीरे धीरे लुप्त तो होती जा रही है हमारे समाज से। गाइस मैं पहुंच गया एक बार फिर से घर, तो अभी देखना पड़ेगा कि मेरे को पानी आ रखा है या नहीं आ रखा है, क्योंकि मैंने उसके जगह तो मार के आया हूँ, मैं उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था वहाँ के दम पर। तो अभी मैं घर पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि आया है। ये पहुँच गया हूँ घर, और ये हमारा है बाथरूम,
तो मैं खोलता हूँ बाथरूम। ये टैंक तो हमने भर के रख रखा है, देखना पड़ेगा यहाँ पे। ना बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बूंद भी पानी नहीं आ रहा अभी तो। क्या पता शाम तक कुछ हो और आ जाए। क्या कर रहा है, खड़बड़ तो कर रहा है। एक बूंद तो गिरी, एक बूंद तो गिरी, दूसरी बूंद भी गिरी, क्या पता आ जाए। तीसरी बूंद गिरी, पानी बंद बंद करते करते एक और बूंद गिर गई, 7 बूंदें गिर गई हैं। अब आएगा तो आएगा, नहीं तो देखा जाएगा। तो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।